अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, ये मेरा जो ट्रैवलिंग व्लॉग है उसी का पार्ट 3 है, और ये एक्चुअली डे 2 है जब हम लोग जो थे खानसपुर में थे, और यहाँ से नीलम वैली का जो है ना वो व्यू नज़र आता है। और उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी यहाँ पर व्यू वगैरह देखे, पिक्चर्स वगैरह बनाई, और फिर हम ये जो बाज़ार है यहाँ पर चले गए। यहाँ पे एक बेकरी है जो कि बहुत पुरानी बेकरी है, एक ऑलमोस्ट कोई 30 ईयर्स से ये बेकरी जो है वो चल रही है। यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली, उसके बाद हम घर वापस आए और हमने खाना खाया। अच्छा खाना इनका जो था ना, वो दाल चावल हमने बनवाए थे, तो वो दाल चावल इनके बहुत ही मज़े के थे। और फिर जो है वो नेक्स्ट डे हम चले गए अयूबिया, तो वहाँ पर सबसे पहले हम बाज़ार वगैरह में गए, वहाँ पर हमने चीज़ें वगैरह देखी, बच्चों को खिलौने वगैरह लेके दिए। तो यहाँ की हर क्वालिटी जो थी वो टॉयज़ की बहुत ही बुरी थी, पैकिंग में थे, और जब हमने पैकिंग वगैरह खोली तो जो मेरे बेटे की गाड़ी थी ना वो बिल्कुल टूटी, उसके टायर्स जो है वो टूटे हुए थे। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम जो है वो ऊपर चले गए व्यू देखने, और जो चेयर लिफ्ट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल ही बंद पड़ी हुई थी, और ये देखें नहीं चल रही ना, तो ऊपर हम चले गए। हमने सोचा कि थोड़ी सी हाइकिंग कर लेते हैं, हम पैदल ही जो है ना इस जगह को क्रॉस कर लेते हैं। अच्छा, ये बाज़ार के अंदर जो है वो डिफरेंट चीज़ें वगैरह लगी हुई थी, जैसे कि ये जैकेट्स वगैरह, ये 500 की मिल रही थी मेरे हाल में, ये लेफ्ट ओवर सी, आई डोंट नो, ये लोग कहते हैं कि ये लॉट का माल होता है, वहाँ से ये आई है। अच्छा, उसके बाद हमने थोड़ी सी हाइकिंग की, हम ऊपर जा रहे हैं, बच्चे जो है वो छोटे हैं, इस वजह से हम आगे दूर तक नहीं गए, बस यहीं पे हमने जाके और पिक्चर्स वगैरह बना ली। उसके बाद फिर हम नीचे आ गए, और ये अगर यहाँ पे देखें ना, मैं आपको ये थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगी, सामने जो है वो बर्फ़बारी हुई हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमने पिंक टी यहाँ से पी, और साथ में पकौड़े खाए जिसमें नमक बहुत ज़्यादा था। फिर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे फूलिए, और वो लेने के बाद जो है वो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम खाना वगैरह कुछ के ही खाते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ से हमने खाना नहीं खाया, हम लोग चले गए वापस खानसपुरी, और फिर हमने सोचा कि हम ग्राउंड देखते हैं ना खानसपुर का, लेकिन उसको ऑलरेडी लॉक लगा हुआ था, तो फिर हम वापस आ गए। अच्छा जी फिर जो है ना वो हम लोग चले गए कि ग्राउंड वगैरह देखे, ग्राउंड जो था ना वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। फिर बच्चों को हम पार्क ले गए, तो सोचे कि चले बच्चे जो है वो पार्क में ही थोड़ा बहुत खेलेंगे। खैर, पार्क की भी हालत जो है वो नाजुक ही थी, यहाँ पर चीज़ें जो है वो टूटी हुई थी, बस एक स्विंग था जो कि ठीक था, तो बच्चे बस यही भी थोड़ा सा भाग शाग के और स्विंग वगैरह ले के जो है ना वो बस वापस। उसके बाद हमने सोचा कि हम जो है ना वो चश्मे की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर हम देखे चश्मा में नहीं देखा, क्योंकि रास्ता जो था ना वो बड़ा ही ख़तरनाक से था, और मुझे जो है ना वो डर लगता है इस तरह के रास्तों से। तो फिर हम लोग फिर वहाँ से भी वापस आ गए, फिर वापसी में हमने सोचा कि अब बाज़ार ही जो है ना वो विज़िट कर ले, जो खानसपुर का छोटा सा कह लें कि शॉप्स वगैरह है, वहाँ पे एक दो होटल्स हैं, तो हमने सोचा कि अब खाना भी जो है ना वहीं से खा लेते हैं। तो ये रास्ते के कुछ व्यूज़ हैं, बहुत प्यारे व्यूज़ हैं आगे। अच्छा, ये कैमरे में जो है ना इतने अच्छे नज़र नहीं आते व्यूज़, लेकिन वैसे अगर आप खुद जाए तो बहुत ही अच्छे जो है ना व्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। फिर उसके बाद हमने खाना खाया, खैर खाने में हमने ऑर्डर किया कि आलू, और साथ में बीफ था जो कि बीफ बिल्कुल कच्चा था, और बाकी जो थी चीज़ें थी वो भी कोई इतनी खास ही थी। खैर, हमने आलू आलू से खा लिया, और उसके बाद जो है ना हमने व्यूज़ वगैरह देखे, और फिर हम वापस जो है ना वो अपने सूट पे चले गए। तो शाम हो गई थी। अच्छा, रात को हमने फिर जो खाना बनवाया था, यही से हमने चिकन कढ़ाई बनवा ली थी, और साथ में रवे हलवा बना दिया था। खैर, जो हमने होटल से खाना खाया था ना, उसकी वजह से हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अच्छा, फिर हम सुबह जो है वो वापस चल पड़े, हमने नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी, और रास्ते में जो है वो कुछ जगह पर बर्फ़बारी भी हुई हुई थी। तो ये फिर हम आ गए जब मोटर वे पर, हमने खाया पिया कुछ भी नहीं, बस रास्ते में मैंने फिर एक चाय और साथ में बिस्किट खा लिए थे। बस यही तक था हमारा सफ़र। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।